बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले कुछ दिनों में होना तय है। सभी पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने और फंसाने में लग गए हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र और बिहार की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि 3 काले कानून के माध्यम से मोदी और नीतीश किसानों को तबाह करना चाह रहे हैं। खेत खलिहान को पूंजीपतियों की जोड़ी पर गिरवी रखने का षड्यंत्र है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार का ये 3 काले कानून। मोदी जी और नीतीश बाबू कसम तो किसानों की खाते हैं पर फायदा अपने पूंजीपति मित्रों को पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और बिहार की नीतीश सरकार हरित क्रांति को हराने की घिनौनी साजिश रच रहे हैं जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू के लिए है कि जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। इससे बेहतरीन 2 लाइन में इन 3 काले कानूनों की समरी नहीं हो सकती। हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है ये 3 कृषि विरोधी खेत विरोधी काले कानून। उन्होंने कहा कि ये लोग मिलकर बिहार को बरगला रहे हैं, संसद में विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, पूरे देश को और बिहार को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पीटा जा रहा है। हाल के दिनों में राज्यसभा से कृषि बिल पास होना सभी राजनीतिक दलों को एक मुद्दा दे दिया है। सत्ता पक्ष जहां इसे किसानों के हित में बताकर चुनाव जीतने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष इसकी ढाल बनाकर लोगों को गोलबंद करने में जुट गई है। पटना से लाइव इंडिया के लिए समर कुमार डे के साथ हीरा लाल की रिपोर्ट।